जोरदार तो खड़े होकर स्वागत कीजिएगा शैलेंद्र शर्मा साहब का, डीजीसी पिलूंडी श्री शैलेंद्र शर्मा का हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों साथी बनाइएगा, जोरदार तालियों से। सीपीलूंडी के प्रथम नागरिक श्री शैलेंद्र शर्मा जी का बाबा साहब की जयंती में हार्दिक स्वागत है। अब मैं अपने महामहिम सीपीलूंडी के हमारे प्रथम अधिकारी, प्रथम नागरिक महानिदेशक महोदय श्री शैलेंद्र शर्मा जी को अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और अपनी बात को रखें। श्री शैलेंद्र शर्मा जी, जोरदार तालियों का साथियों स्वागत कीजिएगा। सीपीडब्ल्यूडी एससी एसटी एसयूएम के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इस 131वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आप सबके साथ गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और इस अवसर पर आप लोगों के साथ आने का मौका मिला, इसके लिए अपनी सीपीडब्ल्यूडी एससी एसटी एसोसिएशन का भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे आने से पहले इस मंच पर बहुत बड़े बड़े लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं और आपने सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, लेखक और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माण कर्ता थे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, लेखक एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माणकर्ता थे। विधि विशेषज्ञ, अथक परिश्रमी एवं उत्कृष्ट कौशल के धनी अम्बेडकर जी उदारवादी व्यक्ति भी थे और उनका संविधान में जो महत्वपूर्ण योगदान है उसे तो कोई नकार ही नहीं सकता। वास्तव में उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था थी और उनके गुणों के कारण ही उन्हें प्रारूप समिति, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उस रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उनके प्रभाव से भारत के संविधान में महिलाओं, सभी दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों सभी के उत्थान के लिए संवैधानिक व्यवस्था और प्रावधानों का निरूपण किया गया, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। माननीय राज्य मंत्री महोदय ने जिस रूप में गहरे में जाकर के अम्बेडकर जी के विचारों के बारे में कहा, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पर मनन करें। वास्तव में कई बार हम सिर्फ बाह्य दृष्टि एक रखते हैं और विवेकशील गहरी दृष्टि से चूक जाते हैं। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो अम्बेडकर जी के मानवतावादी दृष्टिकोण में बहुत गहरे बैठने की अभी जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विभाग के सभी लोग, सीपीडब्ल्यूडी एससी एसटी एसोसिएशन के लोग, हम सब मिलकर के आगे चलेंगे और इस दिशा में सोच करके अगर कदम बढ़ाएंगे तो अपनी व्यक्तिगत प्रगति भी करेंगे और हम अपने विभाग की, देश की प्रगति में भी सहयोग देंगे। मैं आप सभी को यहाँ आमंत्रित करने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहाँ आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।